सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम के शतक का। प्रधानमंत्री मोदी से मिले येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तेज हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नदीनम नरसंहार केस फिर से खोला, सेना की वर्दी में आए थे आतंकी। सीएम भगवंत मान का विजन, पंजाब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 3 मालगाड़ियां खरीदेंगे, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं संग अमित शाह ने की बैठक, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने जब उनके लिए आंसू बहाए थे तभी वो फंस गए थे आजाद के इस्तीफे पर, बोले अधीर रंजन चौधरी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आतंकियों की पहचान शारिक अशरफ और तौफीन हसन शेख के रूप में हुई। जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ, 3 न्यायिक सुधारों का वादा किया। असम में अलकायदा AQIS यूनिट के 4 और आतंकी गिरफ्तार, अनाधिकृत मदरसों पर होगी कार्यवाही। ओडिशा में पति ने धोखे से बेची पत्नी की किडनी, इलाज करवाने के बहाने सौदा किया, 5 साल बाद दर्द होने पर पता चला। फ्री स्कीम्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुफ्त वादों पर सुनवाई अब नई बेंच में होगी, CJI बोले इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत। बदलने वाले हैं RSS से जुड़े संगठन, संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 40 संगठनों में बदलाव, आधुनिक तरीके से अपनाए जाएंगे। चुनावी डेटा पर ADR का खुलासा, नेशनल पार्टियों ने 17 साल में अज्ञात स्रोतों से जुटाए 15,000 करोड़ रुपए, कांग्रेस टॉप पर है। दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता पीएम मोदी, सर्वे में 75% मिली रेटिंग, टॉप 5 में जो बाइडन भी नहीं। बंगाल में घोटाले पर बीजेपी नेता का बयान, दिलीप घोष बोले वो दिन दूर नहीं जब TMC नेता सार्वजनिक तौर पर पीटे जाएंगे। केरल के राज्यपाल से छीने गए अधिकार, नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। फैसला करप्शन से बचने के लिए का नाम तो आप सभी ने सुनी रखा होगा, अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे। रामपुर के मिलंग में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार वृद्ध गंभीर घायल। जौनपुर में SCF खंगार रही 20 परिषदीय शिक्षकों की कुंडली, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप। बता दें रूस में इम्यूनो मॉड्यूल लेटरी प्रभाव, कल उठेंगे 18 बनी हाशिम की, तिलोय के सेवन, कश गाजीपुर बुद्धसी जौनपुरी और समर बनारसी दिलाएंगे करबला की याद। प्रयागराज में गंगा में बाढ़, काशी में गलियों में दाह संस्कार, कानपुर में यमुना का लेवल बढ़ने से बांदा हाईवे पर ट्रैफिक बंद। वाराणसी
फर्जी में संदेह के घेरे में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया बीएचयू कुलपति ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। धांधली के आरोप पर चार विभागों की होगी जांच। भदोही में गंगा का जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। कई बीघे फसल हुई जलमग्न। कटान से कई बीघे उपजाऊ जमीन गंगा में समाहित। प्रयागराज में वर्दी में मसाज कराने पर दरोगा सस्पेंड। आंखें बंद की तो किसी ने वीडियो बनाया। प्रयागराज एसएसपी ने जांच के बाद कार्यवाही की। कानपुर देहात में बाढ़ का कहर। बाढ़ की चपेट में आए 30 गांव। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ओवरलोड ट्रक देखकर परिवहन मंत्री हुए नाराज। इटावा में कहा आरटीओ को सस्पेंड कर दूंगा। वीडियो वायरल। कानपुर में रंजिश में छात्र का अपहरण करके पीटा। भागने की कोशिश पर फायर झोंका और वीडियो कर दिया वायरल। धमाका इतना तेज था कि हमारी रूह हिल गई। मेरठ पटाखा फैक्ट्री में आग के वक्त काम कर रही महिलाओं ने बयां किया खौफनाक मंजर। प्रयागराज में गंगा बाढ़ में सड़कों पर मगरमच्छ। काशी में गलियों में दाह संस्कार। कानपुर में यमुना का लेवल बढ़ने से बांदा हाईवे पर ट्रैफिक बंद। कन्नौज में रिपेयरिंग दुकान में मिली चोरी की चार बाइकें। मैकेनिक गिरफ्तार। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भेजा जेल। चित्रकूट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 चौकियां की गई स्थापित। लोगों को मिलेगी मेडिकल सुविधा। ब्लीचिंग पाउडर का हुआ छिड़काव। हरदोई में जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल सील। परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा। जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल सील। सुल्तानपुर पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हादसा। हाईवे को लेकर प्राइवेट बस डीसीएम से टकराई। दर्जन भर यात्री घायल। दो की हालत गंभीर। पीलीभीत में सड़क किनारे खड़ी प्राइवेट बस में लगी आग। देखते देखते बस जलकर हुई राख। हादसे के वक्त बस में कोई नहीं था सवार। मैनपुरी में हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास। 25,000 का जुर्माना भी लगाया। सास और ससुर बरी। चित्रकूट में शबरी जल प्रभाव भी उफान पर। प्रतिदिन दर्जनों आते हैं सैलानी। यहां देखते हैं मनमोहक नजारा। बिजनौर में जिम कार्टपोर्ट से सटे इलाके के घर से निकला अजगर। 3 केजी और 15 फीट के अजगर को देख सहमे लोग। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हमीरपुर में बाढ़ ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। यमुना तटबंध के ऊपर से हुई ओवरफ्लो। नेशनल हाईवे पर पहुंचा पानी। फरुखाबाद 40 गांव के लिए बाढ़ का पानी बना मुसीबत। नौरौरा गंगा से 4238 एसक्यू छोड़ा गया पानी। कटी सच्ची नड़क। गोंडा में बिना शिक्षक चल रहे 42 प्रसिद्ध स्कूल। एकल शिक्षक के सहारे 131 स्कूलों के छात्रों का भविष्य। बीसीएस बोले जल्द होगी तैनाती। चंदौली में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों के लोगों में दहशत। फसल और चारा डूबने से किसानों की बड़ी परेशानी। गोंडा में डीसीएम पलटने से 24 लोग घायल। अयोध्या से लौट रहे थे बलरामपुर। अंतिम संस्कार होने में गए थे शामिल।
झांसी के तीन गांवों में पहली बार पहुंचा पानी, सितंबर तक 19 और गांव में पहुंचेगा। अगले साल 648 गांवों को मिलेगा शुद्ध पानी। सुल्तानपुर में हत्या आरोपी के घर चला बुलडोजर, 25 साल से फरार अभियुक्त के घर पर खिड़की दरवाजा उखाड़ ले गई पुलिस। योगी रात 10 बजे गाजियाबाद की सोसाइटी पहुंचे, बीमार रिश्तेदार को देखने अचानक पहुंचे बच्चों ने घेर कर लगाए योगी योगी के नारे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर धंसा, 5 किलोमीटर लगा जाम, 2 घंटे तक फंसे रहे वाहन सवार, बैरिकेडिंग कर निकाला गया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, शहर में लगातार घुस रहा है पानी। टीडाजा के समर्थन में उतरी साध्वी प्राची, कहा रोज आग उगलने वाले ओवैसी की गिरफ्तारी कब होगी, फारूकी पर भी बरसी। उत्तराखंड में नवजात के साथ क्रूरता, गला काट कर सड़क किनारे फेंका शव देख पुलिस बोली बच्चे के साथ ये बदसलूकी पहली बार देखा है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्यवाही, एसटीएफ ने लखनऊ आरएमएस कंपनी के मालिक को पकड़ा, अब तक 25 हो चुके हैं गिरफ्तार। उत्तराखंड में नकल माफिया टेम्पो चालक, रिजॉर्ट में हाकम का पार्टनर बना केंद्रपाल, 10 साल में बना ली करोड़ों की संपत्ति। उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस पर रेट चस्पा, 15 किमी तक सामान में देना होगा 800 रुपए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस को धोखा देकर अपने निर्णय पर पछताएंगे नबी। अब उतरेगा नशा अंडरग्राउंड, यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम भी घोषित, कुर्की की तैयारी में भी पुलिस। उत्तराखंड में धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, प्रदेश में 12 जिलों में मिले 126 नए संक्रमित। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाई महिलाओं के 30% आरक्षण पर रोक, विरोध में उतरा हेलंग एकता मंच। उत्तराखंड के टनकपुर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा इको टूरिज्म पार्क, नंधौर अभ्यारण्य के पास 10 हेक्टेयर में होगा निर्माण। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% क्षैतिक आरक्षण मामले में कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती देगी सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने भर्तियों में गड़बड़ी की जांच को लेकर राजभवन में दी दस्तक, भाजपा सरकार पर रही आक्रामक। उत्तराखंड के देहरादून में 2 और व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि, उत्तराखंड में 45 लोग हो चुके हैं इसकी पुष्टि में। उत्तराखंड के देहरादून में 4 उगो ने दिल्ली से आकर हरिद्वार में लगाई डुबकी, देहरादून में ठगी, नैनीताल से हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम खुद नहीं संभाल पाया, घर घर से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी अब ठेके पर देने को तैयारी। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश बने बड़ी आपदा, इंग्लैंड से 150 साल मिले थे 24 खरगोश, 1600 करोड़ का हर साल कर रहे हैं नुकसान।
अगर मेरी बात नहीं सुनी तो कोई विमान बचा नहीं पाएगा पुतिन के करीबी की पश्चिमी को खुली धमकी, कहा हम बकवास नहीं करते। लड़ाई और सिंचाई ही नहीं पढ़ाई भी सिखाएगा इजराइल, या खास एजुकेशन सिस्टम सीख रहे हैं भारतीय शिक्षाविद। चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज की, दक्षिण चीन सागर में विमान वाहक पोत के साथ किया युद्ध आभास। अमेरिका को रास नहीं आ रही रूस के साथ भारत की नजदीकियां, रिश्ते में खटास लाने के लिए बना रहा ये प्लान। शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप, इमरान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी बोली कतर में इजराइल अफसरों से मिले पीएम, सच्चाई बताएं। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद इमरजेंसी, 3 महीने में 900 से ज्यादा लोगों की मौत, दूसरे देशों से मदद की गुहार। ट्रंप के घर बरामद हुए 15 बक्सों में 14 गोपनीय दस्तावेज, एफबीआई के छापों को लेकर बड़ा खुलासा। फ्रांस और ब्रिटेन दोस्त या दुश्मन, एमिलियन ब्रांको के खिलाफ बयान देकर विवादों में फंसी लीज ट्रस्ट। अमेरिका में बंदूक हिंसा को लेकर चिंता बरकरार, बाइडेन ने दोहराया कि वो हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होगा ज्यादा महंगा, रेस्टोरेंट्स ने स्विगी जोमेटो पर कीमती 10 से 60% तक बढ़ाई। प्योर ईवी ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक, स्ट्रीट 350 से मिलेगी, 140 किमी की रेंज मिले 3 कलर ऑप्शन। इस साल 38% अधिक इनकम टैक्स कलेक्शन, आयकर विभाग का फोकस अब विदेशी संपत्ति। विदेशी निवेशकों का 76% निवेश अकेले भारत में, एशिया में निवेश कुल 60,000 करोड़ में 45,500 करोड़ भारत आए। पासवर्ड मैनेजर ऐप पर साइबर अटैक, लास्ट ऐप हुआ है, कंपनी ने खुद की जानकारी। दिल्ली हाई कोर्ट का बयान, व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूजर्स को किया मजबूर, फेसबुक के साथ डेटा भी शेयर करती है कंपनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली इस साल जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ेगी, मुफ्त उपहार बांटने वाले दलों को दी नसीहत। एसआर ग्रुप ने आर्सेलर मित्तल से किया 19,000 करोड़ का करार, गुजरात के हजीरा में बनेगा एलजी टर्मिनल। एयर इंडिया के त्योहारों से पहले कर्मियों को तोहफा, 1 सितंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। ईटीएच वेल ने खरीदे 5,300 करोड़ शिबा इनू, कीमत पे 5% उछाल, एक दिन पहले शिबा इनू को वेल अकाउंट ने बड़ी मात्रा में सेल किया था। कोहली ने बताया सक्सेस फंडा, बोले जो भी करता हूं पूरे प्रेजेंस इन्वॉल्वमेंट और हैप्पीनेस के साथ, इसलिए जीतता हूं। मोहम्मद वसीम के एशिया कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज की किस्मत ने खाई पलटी, हसन अली की हुई टीम में वापसी।
रोहित शर्मा की दरिया दिली, पाकिस्तान फैन का 10 साल पुराना सपना पूरा, हिटमैन ने जीता दिल। मेगा मुकाबले से पहले दिल से बोले केएल राहुल, कहा आप भावनाओं और प्रतिद्वंद्विता से खुद को दूर नहीं कर सकते। पंद्रह साल की लिंथोई ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कैंडेट जूडो चैंपियनशिप का पहला गोल्ड जीता, ब्राजीली खिलाड़ी को हराया। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटाया, अंडर 17 में विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी का रास्ता साफ, 11 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीत दर्ज की, पहले ही थ्रो में 89.08 मीटर फेंका जेवलिन, ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। गांगुली ने विराट कोहली पर बनाया दबाव, बीसीसीआई प्रेसिडेंट बोले सेफ टीम के लिए नहीं, विराट को अपने लिए भी रन बनाने होंगे। डिग्री बल्लेबाज, वन एशिया कप में तहलका मचाने को तैयार कोहली, प्रैक्टिस में दिखा होश। एशिया कप में क्वालिफाई करने पर हांगकांग के खिलाड़ियों ने काला चश्मा गाने पर किया डांस। निमरत कौर का सामान एयरपोर्ट पे हुआ चोरी, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लगाई अमेरिकन एयरलाइंस को फटकार। भाईजान के इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान की अनाउंसमेंट की। दिल्ली में रद्दुआ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो, पुलिस से नहीं मिला परमिशन, बताया सांप्रदायिकता के लिए खतरा। सूर्या स्टार जय भीम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, मेकर्स पर लगे फिल्म के स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप। सुनील शेट्टी ने बायकॉट कल्चर पर किया रिएक्ट, बोले लोग इन दिनों फिल्मों के सब्जेक्ट से खुश नहीं है, मैं इस इंटरफेयर में नहीं कर सकता। केजीएफ के कासिम चाचा ने लगाई मदद की गुहार, 3 साल से कैंसर से जूझ रहे हरीश राय। सत्यप्रेम की कथा की रिलीज डेट आई सामने, कार्तिक कियारा की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल, जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी ये फिल्म। ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन, रणबीर कपूर के साथ पोज देते हुए आलिया भट्ट ने फ्रंट बेबी किया बम, 2 हफ्ते में रिलीज होगी फिल्म। अल्लू अर्जुन सितंबर में शुरू करेंगे पुष्पा 2 की शूटिंग, डायरेक्टर सुकुमार कर रहे हैं फिल्म स्क्रिप्ट फाइनल ड्राफ्ट पर काम। भारती सिंह ने पेपराजी को दी धमकी, प्रेगनेंसी के दौरान करते थे कॉमेडियन का पीछा, बोली मेरा बेटा तुमसे बदला लेगा। फिलहाल के लिए प्राइम के शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस